इतिहास के भाई वीर सिंह जी ने साखी का जिक्र किया है कि एक भाई पल्ले नाम का सिख होया रोज गुरु की बाणी नू बड़े प्रेम के नाल पढ़ता है ते जो बाणी पढ़ते ने ना तो उन्हां दी माता जी उन्हां दे कोल बैठ के बाणी नू बड़े प्रेम दे नाल सुन दे ने। भाई पल्ला जी दा नेम है बाणी पढ़न तो बाद गुरु दे चरणां दे विच अरदास करदे ने, शुकराना करदे ने। अज बाणी पढ़ी गई है, अरदास कीती गई है। मां ने बड़े प्रेम दे नाल पुछिया कि पुत्र जीओ, अज गुरु पासों की मंगना कीता है? ते भाई पल्ले जी ने माता जी नूं जवाब दिता कि माता जी, जदों मैं तुहाडे अंदर दा प्रेम वेखदा हां, तुहाडे अंदर दी लालसा वेखदा हां, एक खिच वेखदा हां गुरु नूं मिलण दी, ते मैं अरदास करदा हां कि महाराज साडी माता नूं तुसी अपने दर्शन दीदार बख्शो। मां कहिंदी है कि पुत्रा, असी गरीब बंदे, दिहाड़ियां करन वाले, पता नहीं साडी अरदास गुरु प्रवान करे कि ना करे, पर सदके जावां तेरे तो जेड़ा रोज गुरु दे अगे अरदास करदा है कि पातशाह मेरी मां नूं अपने दर्शन दीदार बख्शो। रोज ये अरदास हुंदी है, अज सबब बनिया है। वो सबब की बनिया? दिहाड़ी लाण चले ने, दिहाड़ी नहीं लगी, जवाब मिल गया। घर आम लगे, रस्ते दे विच मित्र मिल गया, उन्होंने पूछ लिया भाई पल्ले जी ने, कहंदे ने पल्लिया किथे चलिया, अज कम ते नहीं गया? भाई पल्ले ने जवाब दिता कि अज दिहाड़ी नहीं लगनी। मालका ने जवाब दे दिता घर चलिया। वो कहंदे ने घर क्यों चलिया? कहंदा होर किथे जाइए? पल्लिया जिस गुरु नूं तू रोज याद करदा है, तेनूं पता है वह गुरु इत्थे नेड़े ही आए हुए ने। भाई पल्ले जी दा मन बहुत खुश होया कि सची गुरु हरगोबिंद महाराज जी इत्थे आए हुए ने। कहन लगा जी हां, चल पल्लिया आपां गुरु दे दर्शन करिए। भाई पल्ले ने बांह पकड़ी उस सिख दी, आखन लगा कि मेरे मां दी तमन्ना है, इच्छा है कि साहिब दे दर्शन किते जान, मैं अपनी मां नूं ना लै आवां नाल। वो कहंदे ने पल्लिया गुरु कोई वेला थोड़ी है, पता नहीं किन्ने चिर उत्थे रुकना है किन्ने चिर नहीं, ये ना होवे कि तू भी दर्शना तो जांदा रहे। वो कहंदा गल ते सची है। उन्हें बांह पकड़ी ते लै गए। दीन दुनी दे मालक सोहने सिंघासना के उत्ते, तख्तों के उत्ते विराजमान ने। संगत आ रही है, मथा टेकते ने, प्रेम भेटावां साहब दे अगे रख रहे। भाई पल्ला जी भी उस कतार दे विच लग गए। ते को दम मन अंदर ख्याल आया कि मना लोग इतने कीमती भेटावां साहब जी दे अगे दे रहे ने, मेरे कोल ते है ही कख नहीं, अज ते दिहाड़ी भी नहीं लगी। बोझे दे विच खीसे दे विच हाथ मारदे ने, ते जदों हाथ मारिया ना ते खीसे दे विच एक कपड़े दे अंदर गुड़ दी भेली पई हुई सी। तुसी वेख्या होवेगा गरीब बंदे दिहाड़ी करन वाले जां ते मिसियां रोटियां लै जांदे ने, जां ए चीज जिहड़ी है वो तां जो शरीर नूं एनर्जी भी मिल जावे ये खा के, क्योंकि जदों भी मिठा बंदा खांदा है ते उहनूं पानी दी प्यास लगदी, पानी नाल पी लैंदा। भाई
पल्ले जी दे पल्ले दे अंदर केवल गुड़ सी, हुण हथां दे विच गुड़ ते पकड़िया है पर देन दी ताकत नहीं है, समर्था नहीं है कि मेरे मालक जी की सोचणगे। एनिया कीमती पदार्थ उन्हां दे अगे पए ने ते गुरु दे अगे एक गुड़ दी भेली रखा, नहीं मन नहीं मनिया। अंतर जामी मेरे दादे ने बुझ लई जो मन अंदर विचारां चलदियां सन। साहिब गुरदेव पातशाह जी सिंघासन तो उठे ने, भाई पल्ला जी दे कोल आए ते आख्या, पल्लिया जो मन अंदर होवे ना घबराई दा नहीं हुंदा, जो प्रेम भेटा है वह दे दी हुंदी है। भाई पल्ले जी दियां अखां पार आईयां, कहन लगा महाराज जे तुसी अंदर दियां जानन वाले हो किरपा रहमत करो, फिर एक बेनती मेरी होर प्रवान करो। साहब जी ने आख्या के दसो, मां तुहानू बहुत उडीकदी है, याद करदी है ते मैं रोज अरदास करदा हां कि परमात्मा किरपा कर जो साडी माता है ना इन्हां नू गुरु दे दर्शन करा दे। ते जदों गुरु दे दर्शनां दी गल मैं करदा हां, मां पुछदी है कि अरदास दे विच की मंगिया, ते मैं कहना मैं गुरु दे दर्शनां दी दात मंगी है कि मालक मेरी मां नू गुरु दे दर्शन हो जाण। ते मां मैनूं जवाब दिंदी है कि पुत्रा असीं गरीब बंदे हां, पता नहीं गुरु आउण के ना आउण। ते मेरी एक अरदास है, अरजोई है कि तुसीं मेरी मां नूं जरूर दर्शन बख्शो। साहब जी ने आख्या, कहन लग्या पल्लिया चल चलिए। सिखां ने सुनिया, घोड़ा तैयार कीता। फिर भाई पल्ले जी ने अरदास कीती ते आख्या, कहन लगे मालक जी इस घोड़े दी लगाम मैं पकड़ लवांगा, तुसी घोड़े दे उत्ते सवार होयो ते आपां टुर के सहजे सहजे अपने घर पहुंच जावांगे। साहब जी ने आख्या, नहीं पल्लिया असी तेरे घर घोड़े दे उत्ते चढ़ के नहीं जावांगे, तेरे नाल तुर के जावांगे। साहिब जी भाई पल्ले जी दे नाल तुरे ने, पल्ले नूं बड़ा माण महसूस हो रहा है। अज दीन दुनी दे मालक ने इतनियां बड़ियां रहमतां कीतियां ने, कदी जिंदगी दे विच सोचिया नहीं सी कि गुरु कदम दे नाल कदम वधा के ते मेरे घर अंदर आणगे। भाई पल्ला जी बड़े खुश ने, ते जदों घर अंदर गए ने ना ते मां नूं कहिंदे ने, मां देख जिहदे अगे आपां रोज अरदासां करदे सां अज दीन दुनी दे मालक साडे घर अंदर आए। मां उठी है साहब दे चरणां दे विच झुकण लगे, मेरे पातशाह जी ने इनकार कर दिता, नहीं भाई तुसी वड्डे हो सत्कार योग को साडे पैरां दे उत्ते नहीं झुकना। मेरे मालक जी उस परिवार दे अंदर बैठ गए ने ते मेरे मालक जी ने आख्या कि भाई रोज तुसी सानू भोजन छकाउंदे सी, अज नहीं छकाओगे। घर अंदर कख नहीं सी, अखां पार आईयां ते मालक जी नू कहन लगे कि दाता जी दीन दुनी दे दाते साडे घर अंदर आए होण, पर मैं किड्डी वड्डी अपागण हां कि घर अंदर कुछ ऐसी भी चीज नहीं जिहदे नाल उचेचे तौर दे उत्ते असीं तुहाडी कोई सेवा कर पाईए। ये गल कह के उन्हें अपनियां अखां दे विच वगदे होयां अथरुआं नूं अपनी चुन्नी दे पल्ले दे नाल पूंज लिया, मन भर गया, अपने अंदर दे बैराग नूं काबू कीता ते साहिब दे अगे सिर झुका के खलो गई। महाराज कहिंदे ने, मैं रोज ही ते तुहाडे घरों भोजन छकदा हाँ ते फिर अज उह चेचा क्यों, मेरे लिए उही 36 प्रकार दे भोजन ने। साहिब जी ने आख्या, कहन लगे कि जो रोटी दे उत्ते लून तोड़ के तुसी खांदे हुंदे सो ना बाणी पढ़न तो बाद, कहन लगे कि मम्मी इत्थे ही हाजिर हुंदा सी गद के आखो सतनाम,
श्री वाहे ओही लै के आओ साढ़े लिए ओही 36 प्रकार के भोजन ने। ते मेरे मालक जी ने आख्या सी रोज छकते होंगे साहब से। उन्होंने पूछा महाराज तुसी ते आए पहली बारी हो। कह लगे जो तुसी दोने जुड़ के प्रेम दे विच भिज के बाणी पढ़ते सी ना ते मैं तुहाडी बाणी सुनन दे लई इत्थे आ जाया करदा सी। साहब जी नूं प्रशादे छकाए गए ते मालक जी ने आख्या कदी भी मन अंदर ये नहीं लैके आना ये मिस्से प्रशादे ने ये लून वाले ने। साहब जी ने आख्या 36 प्रकार के प्रशादियां तो भी बड़े कीमती ये कुली कखां दी कुली नहीं ये सोने के महलों तो भी वड्डी गए। ते सच जाणियो अज बताले की धरती दे उत्ते बाबा बकाला साहब तो कुछ दूरी दे उत्ते उन्हां दा निवास स्थान है ते लोग अज भी जदों उस दे घर अगों लंघदे ने गुरु घर है उत्थे बनिया ते अज भी लोग उत्थों सिजदा करके लंघदे अज भी नमस्कारां करके लंघदे ने। ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुक्त मोहे तारे जो आप भी मुक्त है ते साडे वर्गियां नूं भी तार लैंदा कै। साहब गुरदेव महाराज जी रहमतां दे खजाने ने।